हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सर्दी आ चुकी है और ठंड है, और मूसा ऊपर आज सुबह से कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मूसा भाई क्या कर रहा है ऊपर? हाँ, क्या काम कर रहा है? देखते मूसा क्या कर रहा है। ये क्या कर रहे हो सुबह से आप ऊपर आए हुए? क्या पिंजरा सेट कर रहे हो? आपको कोई काम नहीं पड़ना? नहीं आपने हटो। ये क्या कर क्या रहे हो? सेट कर रहा हूं। क्यों? कबूतर रखना। उतरो नीचे, आओ जल्दी आओ। आ रहा हूं। छोड़ दो इसको। आ रहा हूं, थोड़ा सा रह गया, ये एक पट्टी बनानी है। क्या कह रहे हो? हैं? तो छत अब सही था। हाँ सही है। क्या बुकट? हाँ क्या कर रही हो? कबूतर। कबूतर किधर है? वो नीचे पर्दे पे बैठा है। आप नीचे आओ जरा, बड़ी देर से आप लगे हुए, जल्दी आओ नीचे। हमारे घर बहुत सारे परिंदे हैं, ये तो आपको भी पता है, और बच्चों को भी बहुत शौक है परिंदे रखने का। ये किसके लिए लेके जा रही हो? ये पकड़ा कैसे हुआ? सही तरह पकड़ो इसको, पकड़ो। मूसा ले जाओ ऊपर, ऊपर ले जाओ। नहीं कुछ कहता, पकड़ो पकड़ो। मानो पकड़ो, मानो पकड़ो, इसको दे दो उसको। क्या करना है आपने ऊपर ले जाके? आपको मैं दिखाती हूँ, आज बहुत दिनों बाद मेरे मिट्टू क्या कह रहा है। मामा मिट्टू क्या कह रहा है जी? मामा का मिट्टू है। मिट्टू जी आ जा इधर, मेरे पास जल्दी आ, आजा आजा। हाँ जी, बड़े गुस्से में बैठी हुई हो, क्या हुआ, लड़ाई हुई है? आजा आजा इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, आजा आजा आजा। माँ सद के जाए, नी माँ सद के चली जाए, मामा का बच्चा इतना प्यारा। बैठो बैठो इसके ऊपर। ये किसने सोटी खराब की है? ये जरूर तेरा काम होना है, मुझे पता है तेरा। मिर्ची खाई? नहीं मिर्ची मूसा जी। अच्छा कौन कह रहा था मूसा? हाँ हाँ कौन कह रहा था मूसा? अच्छा मजे, हाँ मजे, इतने मजे, कितने मजे? हाँ आए मजे। शर्म तो नहीं आती तुझे? आए मजे आ गए है ना। मिर्ची खाई? मानो एक मिर्ची दो। की मामा की जान। हाँ हाँ मामा, मम्मा क्या बात है, क्या बात है इतनी ज्यादा? ये लो पकड़ो, बस बहुत है, अब लड़ाई नहीं करना। खबर तो लड़ाई की तो ओए 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 ओए। ये लो ये लो मिटो मिटो, ये ले। हाँ जी क्या हुआ? ले गई मिर्ची? ये बड़ी फरेबन औरत है, ये हमेशा तेरे साथ ऐसे ही करती है, मुझे पता है। देनी चाहते ऐसे ही करती है, मौज जिद के दे मिर्ची दे। ये ले पकड़, ले ले हाथ में, पकड़ के खाओ हाथ में। वेरी गुड, शाबाश, ये मामा का बेटा है, ये मामा की जान है। बेटा किसका बेटा? हाँ हाँ मिट्टू कौन है? मिट्टू कौन है? मिट्टू जी हाँ जी, क्या कर रहे हो आप सारे? आप सारे क्या कर रहे हो? बेबी आ गए, इतने प्यारे बेबी आ गए। ये किसके बेबी आ गए? ये छोटे छोटे बेबी आ गए इसमें।
पुप्पा देखो, पुप्पा देखो, कहाँ पुप्पा देखो? हाँ बेबी आ गए, इतने बारे बेबी आ गए, वो बेबी नजर आ रहे हैं उसमें, वो उसमें भी बेबी नजर आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे बेबी आ गए हैं। हाँ जी खाना खाया? इतने सारे परिंदे हैं घर पे, बहुत सारे परिंदे हैं, तो मुझे अभी भी कम लगते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत कम है और मेरे पास और होने चाहिए। ये तो मेरी जान का तोता है, ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है मामा? हाँ आपको मैं आज और भी दिखाती हूँ, ये मेरे पास और भी है। और ये देखो क्या कर रहे हो आप सब, आप सब क्या कर रहे हो, आप सब क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? मुझे खाना दिया, मुझे खाना दिया, हाँ बताओ, परेशान हो गए आज मुझे देख के। हेलो क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अंडे आ गए, अंडे आ गए, इसमें लग रहा है मेरे को इसमें कुछ नहीं है, बहुत देरी है। अभी ठंड आ चुकी है और थोड़ा सा ये बेबी इनके आएंगे, बहुत सारे और बहुत सारे इनके बेबी आएंगे और फिर इनके अंडे भी आएंगे और बेबी भी आएंगे सबके, और ये और ज़्यादा हो जाएंगे। ईसा आया, अभी मैं बनाने वाली हूँ एक केक, चॉकलेट केक, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज मॉर्निंग हमारी काफ़ी लेट है। अच्छा जी रेसिपी शुरू करते हैं। दो अंडे हैं और 1.5 कप चीनी का है, इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें 1 छोटा कप ऑयल का है, फिर दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और 1 छोटा सा कप दूध का है, इसके साथ वनीला एसेंस है, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छा मिक्स करना है कि चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए। फिर आपने इसमें 2 कप मैदा डालना है, छोटा चाय वाला कप है, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा है, इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर थोड़ा सा आपको थिक लगे तो आप दूध ऐड कर सकते हो उसके अंदर। फिर मैंने एक पैन तैयार कर लिया था और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से, ये देखें आप, बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स किया है। उसके बाद एक पैन तैयार कर लिया था, उसमें पेपर लगा दिया था, और ये आपने बेकिंग के लिए रखना है। थोड़ा सा तकरीबन आपको ये थोड़ा सा लिक्विड है तो ये थोड़ा 45 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, 1 घंटा पूरा भी हो सकता है। और ये केक बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का बना था, और ये आपको मैंने अप एंड डाउन करके भी दिखा दिया है कि ये किस तरह से बना है। ये बहुत मज़े का बना था, जो वनीला की खुशबू थी वो बहुत अच्छी थी, और साथ में मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड बनाया था कोको पाउडर के साथ। आप ये इसको तो सबको आता है, दूध है, कोको पाउडर है, चीनी है, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है, लास्ट पर आपने थोड़ा सा मक्खन डाल देना है, और ये मैंने केक के ऊपर आइसिंग की तरह लगाया था। ये बहुत मज़े का लगता है, और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी कलरफुल जो छोटी छोटी सी चीनी होती है वो इसके ऊपर डाली थी, और ये केक बहुत मज़े का बना था। ये हमने शाम को चाय के लिए बनाया था और आपके साथ भी शेयर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा दें और शेयर कर दें, कुछ नहीं जाता है आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे साथ ऐसा करें। और ये केक बहुत मज़े का था, स्पंज बहुत मज़े का था इसका, आप मैंने तो बहुत ज़्यादा डाली थी, आप कम भी डाल सकते। और आज मैंने बनाए थे आलू वाले चावल, पर बच्चों को लग रहा था कि शायद ये बिरयानी बनी हुई है, ये सिर्फ आलू वाले चावल आज मैंने बनाए थे रात के खाने में। लालू वाले चावल आए, मैंने आपको आज सारे अपने परिंदे दिखाए, अभी एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपको दिखानी है, वो छत पे है और आपको दिखाऊंगी मैं वो भी, बाकी सब पूरे हो चुके हैं, सिर्फ छत वाली एक चीज़ रह गई है, वो आपको दिखाते हैं। पहले खा लेते हैं खाना, उसके बाद चलते हैं छत पे।